दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर में मशहूर और कई लोगों का चहेता गेम फ्री फायर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इंडिया के लिए बैन कर दिया गया। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये गेमर्स के लिए शॉकिंग और बहुत ही दुख की बात है कि उसका फेवरेट गेम अब बैन हो चुका है। लेकिन आखिर इसके बैन होने की वजह क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट्स ने सन 2020 में चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले 267 एप्लीकेशन और गेम्स को बैन किया था। इसी तरह के 56 चाइनीज़ ऐप एंड गेम्स को इंडिया के लिए बैन कर दिया गया है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस लिस्ट में गैरिना फ्री फायर भी शामिल है। अगर अभी के टाइम में अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर देखोगे तो गैरिना फ्री फायर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्री फायर मैक्स अभी भी मौजूद है। लेकिन एप्पल स्टोर पर इन दोनों गेम्स को ब्लॉक कर दिया गया है। अब लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि फ्री फायर का चाइना से क्या कनेक्शन है, क्योंकि गैरिना फ्री फायर सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। तो आखिर इस गेम को चाइना की एप्लीकेशन के साथ बैन क्यों किया गया है? तो आपको बता दें कि फ्री फायर के फाउंडर ऑफ CEO फॉरेंस्टली चाइना में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत समय पहले वे सिंगापुर में शिफ्ट हो गए थे और अभी वे सिंगापुर के ही सिटीजेंस हैं। और यही वजह थी कि सन 2020 में इस गेम को बैन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट्स को इसके चाइना से कई कनेक्शन सामने आए हैं, इसके चलते ही इस गेम को बैन कर दिया गया है। लेकिन भले ही इसे प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया, लेकिन जिसके फ़ोन में यह ऑलरेडी इंस्टॉल है वो इस गेम को अभी भी खेल पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह पबजी गेम के बैन होने के बाद कुछ टाइम बाद सर्वर ने काम करना बंद कर दिया था, हो सकता है कि फ्री फायर के साथ भी ऐसा हो। लेकिन गवर्नमेंट्स ने इन सब के बैन होने की क्लियर वजह तो नहीं बताई, बस इनका कनेक्शन चाइना से बताया है। और देश की सिक्योरिटी के लिए इस गेम और दूसरे एप्लीकेशन को बैन करने का डिसीजन लिया। वेल, कम से कम फ्री फायर मैक्स अभी भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसमें खेल कर गेमर अभी भी इंटरटेन हो सकते हैं।